सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होएगा। इस तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ दनीश भाई का फोटो एडिटिंग, जो कि बहुत अच्छा एडिटिंग होने वाला है गाइस। और दनीश भाई का मैं फोटो एडिट करूँगा, तो एक दनीश भाई के लिए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस दनीश भाई के लिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं तो दनीश भाई के लिए लाइक कर देना। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हुए लेट्स गो। तो फ्रेंड्स चलते हैं पिक्सआर्ट की तरफ और पिक्सआर्ट कर लेते हैं ऑन। तो आज दानिश भाई का मैं फ़ोटो एडिट करने वाला हूं, तो चलते हैं पिक्सआर्ट ऑन कर लेते हैं। तो पिक्सआर्ट ऑन हो रहा है गाइस। तो पिक्सआर्ट ऑन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक कर लेनी है। और क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको ऑल फोटोज पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अपने फाइल में चले जाना है, जो कि अपने फाइल में फ़ोटो रखे होंगे। तो हमारा फाइल में ओपन हो चुका है, तो अपने से यहाँ अपने जो बैकग्राउंड यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं तो वैसे हमारा जो बैकग्राउंड है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे अपने फ़ोटो कर लेंगे ऐड, जो कि दानिश भाई का फ़ोटो है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ ऐड फोटो में, और यहाँ से अपने फाइल में आ जाते हैं। तो हमारा जो फाइल ये लिए, तो गाइस हमारा जो फ़ोटो है कट किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो अगर आपको कट करने नहीं आता है तो मैं इसका लिंक दिया हूँ, जब आप देख लेना कैसे कट किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फ़ोटो को सेट कर लेता हूँ। तो हमारा जो फ़ोटो है यहाँ सेट हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे जाना फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद चलते हैं फाइल में, और यहाँ पे सबसे पहले हेयर स्टाइल लगाना है। तो हेयर स्टाइल लगा लेते हैं। तो दानिश भाई का मैंने हेयर स्टाइल बनाया है, तो यहाँ से कर लेंगे सेट। और क्या करेंगे, इरेजर पर क्लिक कर लेंगे, और फालतू जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ से इरेज कर लेनी है। यहाँ से मैं इरेज कर लेता हूँ। तो वैसे हमारा जो हेयर स्टाइल इरेज हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है, एक बटरफ्लाई है तो उसको मैं यहाँ से ऐड करूँगा। चलते हैं ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में चलने के बाद यहाँ पे मैं ले, तो सबसे पहले बटरफ्लाई को यहाँ पर सेट कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर सेट करना है कुछ इस तरीके से आपको। उसके बाद इसको कलर के ले लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है एडजस्ट में, और यू पे क्लिक कर लेते हैं। यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लू टोन दे देनी है, और यहाँ से कर लेंगे डन। और डन करने के बाद क्या करना है, आपको जाना है ब्रांडिंग मोड में, और यहाँ से कर लेनी है स्क्रीन, और इसको तो साइज़ को बड़ा कर लेंगे, ठीक है। इस तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ से कर लेंगे डन। और डन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको जाना है फिर से ऐड फोटो में। उसके बाद क्या करें, यहाँ पे आपको फाइल में आ जानी है, और ये स्मोक को अपना ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो चलते हैं अपना ब्रांडिंग मोड में, यहाँ से कर लेनी स्क्रीन, और यहाँ ऐसे कुछ करके लगा देंगे, थोड़ा सा डाउन कर देंगे। और क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे ओपोसिटी जो दिख रहा है आपको क्लिक करना है, ओपोसिटी ऊपर थोड़ा कम कर लेंगे। तो कैसे यहाँ से कर लेंगे हम इसको डन। तो गाइस सारा यहाँ पे काम हो चुका है, बट एक और पीएनजी जो कि मैं इसको ऐड करने वाला हूँ। तो चलते हैं ऐड फोटो में, और जो पीएनजी मैंने डाउनलोड किया है वो क्या बोलते हैं, पीएनजी लाइट है, ठीक है। तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे लाइट लिया हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको चलते हैं ब्रांडिंग मोड में, यहाँ से कर लेना स्क्रीन। और स्क्रीन करने के बाद क्या करना है, आपको जाना एडजस्ट में, और इसको यू पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा रेड टोन दे देंगे, ठीक है। तो रेड टोन यहाँ पर बन चुका है, और यहाँ पर ब्राइटनेस पर जाएंगे, थोड़ा यहाँ पर ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट, तो कंट्रास्ट पे थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा दूंगा, थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ा दूंगा, और यहाँ से कर लेंगे डन। और डन करने के बाद थोड़ा इसको मैं बड़ा कर दूंगा, कुछ इस तरीके से रहेगा गाइस, ठीक है। तो ये इफेक्ट जो मिल जाएगा बहुत मस्त लगेगा गाइस। तो ऐसे यहाँ पर देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ से कर लेंगे डन। तो गाइस यहाँ पे सारा काम हो चुका है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कलर सेटिंग करना है। कुछ कलर सेटिंग कर लेते हैं, तो चलते हैं लाइट रूम की तरफ, वहाँ पे कलर सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले करना है कि आपको यहाँ ड्रा टूल में जाना है। ड्रा टूल में जाने के बाद अपनी फ़ोटो को कर लेनी है सेव। तो यहाँ पर टिन डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ सेव इमेज पर क्लिक करके फ़ोटो कर लेनी है सेव। और चलते हैं लाइट रूम की तरफ। तो गाइस हमारा जो लाइट रूम है ओपन हो चुका है, तो यहाँ से अपने फ़ोटो कर लेते हैं ऐड। जिस फोटो को मैंने एडिट किया था, तो उसको मैं फ़ोटो को ऐड करूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करके फ़ोटो कर लेंगे ऐड। तो कुछ देर में ओपन हो रहा है गाइस। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो को ढूंढ लेंगे कहाँ है भाई, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ जो फ़ोटो यहाँ पे मैंने सेव किया था, यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं।
तो ऐड करने के बाद कुछ यहाँ पर टाइम लगेगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देख सकते हो गाइस हमारा जो फ़ोटो ऐड हो चुका है, तो यहाँ इस फ़ोटो कर लेते हैं ओपन। तो गाइस हमारा जो फ़ोटो लाइट रूम के अंदर ओपन हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं कलर सेटिंग। तो चलते हैं लाइट पे, तो सबसे पहले लाइट पे हो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर हल्का हाईलाइट को बढ़ा देंगे, और शेडो तो थोड़ा शेडो को बढ़ा देंगे गाइस, ठीक है। वाइट बैलेंस तो वाइट बैलेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ब्लैक तो ब्लैक को थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और मिक्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यू को थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा बढ़ा लेते हैं गाइस, ठीक है, कम कर लेंगे। थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। उसका लुमियंस तो लुमियंस को भी हल्का सा कम कर देंगे गाइस, ठीक है। उसका ब्लू टोन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा यू कम कर देंगे यहाँ पे। उसके थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे मैं बढ़ा दूंगा। लुमियंस तो लुमियंस को भी हल्का सा यहाँ पे बढ़ा कर रखेंगे, ठीक है। उसके क्या करना है आपको, यहाँ पे येलो टोन पे क्लिक करना है, यू को थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम कर देनी है। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे सेचुरेशन को यहाँ पे बढ़ा देनी है, ठीक है। लुमियंस तो लुमियंस को मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे कलर शेडिंग जो करना है अपने हिसाब से करना है, ठीक है गाइस। मैं अपनी जो मेरा फोटो मतलब अपनी फोटो को जो अपने हिसाब से करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फेस को थोड़ा बड़ा कर लूँगा, तो यहाँ पे लुमियंस को थोड़ा बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपका जब फेस पर लाइट आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। यहाँ पे जो नेचुरल कलर देना है, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से कर लेते हैं डन। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सैचुरेशन को क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देंगे, और ये वेवलेंथ को थोड़ा बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेनी है। उसके बाद क्या करना है, रेवेट तो रेवेट को यहाँ पे थोड़ा कम कर लेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा शार्पनेस को बढ़ा लेंगे। उसके बाद नॉइस तो थोड़ा फेस स्मूथ करने के लिए थोड़ा नॉइस को बढ़ा लेनी है, ताकि जो भी फेस है अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए। यहाँ पे मैं और यहाँ पे कर लिया। उसके बाद कलर नॉइस को बढ़ा देता हूँ, ताकि जो कलर अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए। तो वैसे आप देख सकते हो कि हमारा जो फ़ोटो अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है, देख सकते हो गाइस। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पहले किसका फ़ोटो कैसा था और अभी की जो एडिट किया देख सकते हो। और ये देखो पहले का फ़ोटो, और लाइटों में कुछ कलर सेटिंग करने के बाद यहाँ पे कलर सेटिंग देखो कितना बेहतरीन लग रहा है गाइस। और ये करना है, इसको आप सेव करना है, तो आपको तीन डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हो सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके फ़ोटो कर लेनी है सेव। यहाँ पे आपको फ़ोटो जो फुल एचडी में सेव हो जाएगा। सो गाइस ऐसा करते हो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो भाई दानिश भाई का है फ़ोटो, तो कोई मजाक में मत लेना भाई, एक लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस ऐसा करते हो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना। और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।